अयोध्या की मिट्टी में एक पवित्रता है, एक शक्ति है। एक वो दशहरा था जिसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई, और एक इस दशहरे पे अयोध्या से कोई आया है जो सुर राज्य की स्थापना कर रहा है। और जो आया है अयोध्या की मिट्टी से, कौन रोक सकता है उसे बनने से द नेक्स्ट बिग थिंग, ऋषि सिंह। दर्दे दिल गए दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया। सर, आज पहली बार ऋषि के मम्मी पापा आए, मैं उनसे जरा दो मिनट बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नमस्ते मम्मी जी पापा जी। नमस्ते सर। ऋषि, कितना प्राउड फील होता है अपने मम्मी पापा को आज यहाँ इंडियन आइडल के सेट पर देखकर? सर, बहुत प्राउड फील होता है। हमेशा से पापा की और मम्मी की इच्छा थी कि वो जैसे जो टीवी पे देखते थे और वो सामने भी देखना चाहते थे, क्योंकि मैं गाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं घर गया था तो मुझे बात पता चली थी कि मैं अपने माँ बाप का खून नहीं हूं। कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है और इतना सोच के, मतलब कभी ये लगता था कि जिंदगी में अगर जितनी भी गलती मैंने की है तो उसका माफी मांगना चाहता हूं मैं उनसे, बस और कुछ नहीं। भगवान अपने मिल गए, मैं कहीं सड़ रहा होता, मैं कहीं मर रहा होता, शायद मैं कहाँ होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होता, इनके साथ नहीं होता, तो मैं इंडियन आइडल के स्टेज पे नहीं पहुंच पाता सर। माता पिता का रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है, ये सिर्फ जन्म से नहीं होता, ये प्यार से होता है, ये पालने से होता है। जिन लोगों के चरणों में आप बड़े हुए हो, ये ही आपके माता पिता हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर।